और जी उसके बाद में सर एक दो पॉइंट और थे, कभी जस्ट आपने बोला था कि जून सॉरी जून के आसपास में वो वॉलेट, जून से पहले वो हाँ वॉलेट जी कंप्लीट तैयार हो जाएगा। हाँ लेकिन जी सर हाँ जी ये एक भी बात, इतनी बड़ी अगर मल्टीनेशनल कंपनी है जो अपनी बन हाँ जी रही हाँ है, जी मैं उसका हाँ जी फाउंडर हूँ, लेकिन सर हाँ जी अगर हाँ बन जी रही है तो उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। प्लस एक मिनट सर, यस आप बोलते हो कि आप इसको थोड़ा सा समझो, मतलब प्रोसेस को समझो, तो मैं सर जहां तक मेरी जानकारी है, 14,45,000 जो फाउंडर है उसमें से लगभग 30,000 फाउंडर ऐसे हैं सर जो केवल आपकी बात से सहमत हैं, एस सर की बात से जी सहमत हैं, जी बाकी जी जी टोटल आदमी ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि सिस्टम क्या है, क्या आगे ग्रोथ जी होगा, कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा। प्लीज सर। जी देखिए, पता क्या है, जब हम आईटी फील्ड या डिजिटल चीज से डील करते हैं ना, बेसिकली हम कोई भी चीज है वो अकेली ऑन पैसिव नहीं, उसको छोड़ो। हम फॉर एग्जांपल देता हूं मैं आपका, हमारा जो ओ वॉलेट है फॉर एग्जांपल, ओके, हमारा ओ वॉलेट बहुत टाइम से बन के रेडी है, बहुत कुछ चीजें हैं, बट उसके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं, ओके, जैसे कि बहुत सारे देशों ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है उन्हीं के अपने देशों में चीजें करने के लिए, ओके, कि मनी नहीं हमारे, ये जैसे पाकिस्तान है, कुछ और कंट्रीज हैं कि आप वहां से ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फिर वहां पे अप्रूवल्स अलग से। तो बेसिकली हम एक ग्लोबल कंपनी लॉन्च हो रहे हैं, हम अकेले 2, 4, 10 कंट्री में के लिए नहीं हो रही, तो हमें वो चीजें करनी पड़ती हैं। हमें अभी देखो अभी क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम ओ वॉलेट की बात कर लें, हमारा बहुत कुछ रेडी है, बट हमारे जो पेमेंट प्रोसेसर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं पे आके हमारे वॉल्यूम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि इतना हम नहीं हैंडल कर पाएंगे, उनकी एप्लीकेशन से क्रैश हो जाएंगी। यही काम रेजर पेस के साथ हुआ 2020 में, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, बट एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ रिफंड्स नहीं वापस कर पा रहा था। नहीं, ये तो हमारी पॉलिसी है, हम तो 6 महीने के बाद ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। और यहाँ पे एक नया सिस्टम इस दुनिया को ऑन पैसे दे रही है, जहां पे उसने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, अगर हमारे किसी बंदे ने रिफंड मांगा तो हम उसको हम देंगे। बट अब प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो प्रोसेसर है रेजर पे था, जब वो कहता नहीं हमारी पॉलिसी तो ये है, अब उसका बेचारे का पे पे अटक गया ना, तो मार्केट में क्या होता है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि अरे ये तो पे आउट ही नहीं देते, ये तो ये नहीं करते, जबकि कंपनी की तरफ से कुछ नहीं है, चीजें साथ में ऐसी जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये नहीं कह सकते कि हमारे इंडियंस के कारण ऐसे ऑन पैसे को, यस वो थोड़ा पार्ट है इस चीज का भी, वो हम 100% दोष नहीं दे सकते हम अपने आप को, इंडिया को, ठीक है ना, यस वो भी एक पार्ट है, कुछ फाउंडर्स हैं वो पार्ट है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब कि ऑन पैसे का प्रोजेक्ट कुछ छोटा मोटा नहीं है, इसीलिए जब ये बन गया ये सारी धरती को फ्लिप कर देगा, इधर का उधर कर देगा, इसीलिए ऐश कहते हैं। ओके, तो इसके साथ में कुछ इनोवेशन थी, कुछ और चीजें थी, तो ये ऑल टुगेदर जब हम सारी बात करते हैं तो इसमें ठीक है, कुछ लोग सोच सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है वो सोच सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट जो ईमानदारी है इसको बनाने की वो वही की वही है। ओके, वो कमिटमेंट है, वो किसी को ना धोखा देने की जो एक कमिटमेंट है वो भी वहीं पे है। नेचुरली लोग हैं, वो बातें करेंगे, वो उनका अपना माइंडसेट हो सकता है, हर एक आदमी का अपना माइंडसेट हो, कुछ गालियां निकाल सकते हैं किसी को, कुछ कुछ भी कर सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि ये जो ऑन पैसिव का एक ड्रीम है मिस्टर एस के दिमाग में, उसको उसको कहीं ना कहीं पे ठेस पहुंचेगी। ओके, नो मैटर, ठीक है, हाँ उसमें बोल सकते हैं लोग कि आपने 2020 में बोला था, बट 2020 में बोला था, यस, बट उसके बैक एंड पे क्या हुआ है ओनली मिस्टर एस नोज। ओके, तो इसलिए जब हम बात करते हैं कि ये एक मिस्टर ऐश ही हैं इस धरती के ऊपर जो इस प्रोजेक्ट को ला पाएंगे, अगर कोई और होता कब की ऑन पैसे बंद हो जाती।